अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश की रेसिपी। और इसको बनाना नहायत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है। सबसे पहले मैंने पैन में घी डाला है और उसके बाद मैंने ग्राइंड की हुई प्याज जो कि 3 अदद लिए मीडियम साइज़ के, उनको ग्राइंड करके फ्राई करना है और डार्क ब्राउन करना है उनको। अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून डाल के उसको फ्राई करेंगे। जब खुशबू आ जाएगी तो फिर हम बकाया मसाले डालेंगे। अब मैं इसमें दही डालूंगी जो कि मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। तकरीबन आधी प्याली हमें दही डालना है। हल्दी, कुटी मिर्च, लाल मिर्चें और कसूरी मेथी, गरम मसाला डालकर हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। भुनाई हमारी अच्छी सी होनी चाहिए ताकि इसका सारा कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हमने नमक डालना है क्योंकि मछली में भी नमक लगा हुआ होता है, तो हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना होगा और अच्छे से भुनाई करनी है। ये मछली के पीस मैंने 4-5 घंटे नमक और अजवाइन लगाकर रख दिए थे फ्रिज में। उसके बाद मैंने अच्छे से पानी से धो लिए हैं और हमारी मछली के पीस साफ सुथरे हो चुके हैं। मसाले को अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है, कलर काफ़ी सही आ गया है। पीस को मसाले में डाल देंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए इनको मैं रख दूंगी ताकि इसका मछली का अजाफी पानी वो खुश्क हो जाए। ये देखिए काफ़ी इसका अजाफी पानी ख़त्म हो चुका है और घी भी आ गया है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालकर शोरबा बना लेंगे इसका। और 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हमारी फिश तैयार हो चुकी है। गरम मसाला डाल देंगे। और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। लीजिए 5 मिनट हो गए और हमारी फिश तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर गार्निश करेंगे। नान के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के लिए जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।